रग्बी सेवन में गोल्ड मेडल का ये मैच खेला जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र के बीच में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का गोल्ड मेडल मैच रग्बी सेवन का यह मुकाबला इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी असम में। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। डीप ब्लू में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सोनम कुमारी शॉ, हैप्पी अंजुम, नैना, श्रेया, संध्या रानी, सुनीता, सुमन आर्या, रीमा ओरियन, लक्ष्मी ओरियन, पूनम सिंह, गिनी मखवाना और भूमिका शुक्ला। कोच हैं करण सिंह खाती, मैनेजर जाकिर हुसैन। और आप आइए नजर डालते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र के स्क्वाड पर। लाइट ब्लू में प्राची, शुभांगी, शीतल, सयाली, नेहा, कल्याणी, स्वाति, पूजा, वैष्णवी, पूनम, साक्षी, आकांक्षा, कातकाटे। कोच हैं दीपक पाटिल और मैनेजर प्रोफेसर संग्राम सिंह मोर। कैप्टन है शुभांगी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं इस टीम के अंदर कल्याणी पाटिल, वैष्णवी पाटिल और आकांक्षा कातकाटे। कोच दीपक पाटिल 10 सालों से कंटिन्यू ट्रेनिंग कोचिंग दे रहे हैं और ये टीम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में प्रैक्टिस करती है और यहाँ गोल्ड मेडल के लिए सामना कर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का। जोश देखिए, पहले 20 सेकंड में ही ट्राई लाइन के लिए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने अपनी ताल ठोक दी है, लेकिन बढ़िया वहां टैकल देखने को मिला और अब स्क्रम के जरिए शुरुआत होगी। दोनों ही टीमें जानती हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, गोल्ड मेडल का ये मुकाबला है। अगर आपको गोल्ड मेडल जीतना है तो जीतना पड़ेगा। दोनों ही टीमों के चार चार खिलाड़ी यहां स्क्रम में। कैप्टन शुभांगी बालू गावड़े जैसे नंबर दो में स्क्रम और यहां ये बहुत बढ़िया टैकल। बॉल अभी भी पोजीशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के पास, तेजी से आगे निकली है भूमिका। बैक पास छिटकी बॉल, क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी सी अगर आपकी गड़बड़ करती है तो फिर वहां से बॉल को आगे लेकर बढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहां बढ़िया टैकल कर लिया गया, निकली जरूर थी आगे रीमा ओरियन। आपको अपनी सीमाओं में रहते हुए ही अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करना होता है, साथी खिलाड़ी को चोट ना पहुंचे, अपोनेंट को चोट ना पहुंचे, पूरा ध्यान यहां पर रखना पड़ता है। तो सिर्फ खेल से बाहर नहीं, आपका करियर भी प्रभावित हो सकता है। यहां निकलने की कोशिश जरूर थी लेकिन बढ़िया टैकल देखने को मिला है। स्वाति, जयराम, जयप्पा, मलज,
जैसे नंबर 7 में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए खेलते हुए, क्या ये वो दीवार है, क्या ये वो मौका हो सकता था? बैक पास किया है, लंबा बैक पास थ्रो किया, लेकिन यहाँ बैकअप इतना बढ़िया नहीं, टैकल कर लिया गया है खूबसूरती से, और देखिए रक के जरिए बॉल को अपने पोजीशन में ले लिया है हैप्पी अंजुम ने, और अब निकली जरूर है, पास किया बैक पास, छिटक गई है बॉल हाथ से। ये इस तरीके की गलतियां गोल्ड मेडल मैच में भारी पड़ सकती हैं, संभलकर खेलना होगा यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। बहुत ही बढ़िया टीम चंडीगढ़ में रग्बी के लिए, बहुत बढ़िया माहौल यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के रग्बी 7 में लड़के और लड़कियों दोनों ही वर्गों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने फाइनल में जगह बनाई है। क्या गोल्ड मेडल जीतेगी यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, या गोल्ड मेडल जाएगा शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र के पास? इसका फैसला होगा दूसरे हाफ के 7 मिनट की समाप्ति के बाद। फिलहाल पहले हाफ में 4 मिनट का खेल पूरा और स्कोर बोर्ड पर स्कोर अभी भी दोनों टीमों का 0-0। और या ये खतरा, लेकिन यहां बढ़िया टैकल, और क्या ये ट्राई, 5 अंक यहां आते हुए। जो चंडीगढ़ की खिलाड़ी हैं 10 नंबर की पूनम सिंह, उन्हें यहां येलो कार्ड दिखाया गया है, 2 मिनट उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। और जैसे ही देखा एक खिलाड़ी बाहर, वहां कोशिश की गई और उसी का परिणाम यहां पक्ष में आते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने 5 अंक जोड़ लिए हैं। पूनम सिंह येलो कार्ड इनको दिखाया गया और ये 2 मिनट के लिए अब इस मुकाबले से बाहर। छह के मुकाबले 7 से जब आप खेलते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और वो स्ट्रेंथ यहां बढ़ी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की। जैसे ही आप नियमों की अनदेखी करते हैं, मैंने पहले जिक्र किया था कि बहुत ही डिसिप्लिन के साथ खेला जाने वाला ये खेल है। जैसे ही रेफरी को लगा कि आपने चूक की है नियमों के पालन में, उन्हें कार्ड दिखाया गया और अब पूनम सिंह 2 मिनट बीतने का इंतजार करते हुए चेयर पर बाहर। यहां एक बार फिर अटैक को इंटेंसिफाई करते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की ये लड़कियां, सुनीता हंसदा 6 नंबर की जर्सी में पास किया बैक, लेकिन अब पोजीशन में बॉल रहेगी। अगर यहां से पिक करके आगे निकल पाती चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ये खिलाड़ी तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी, तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन स्कोर बोर्ड अभी फिलहाल 5 अंकों की लीड दिखाते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी। कोल्हापुर के लिए और अब पूनम सिंह ने अपने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ अब साथ साथ। इसका कितना फायदा मिलेगा वो पता चलेगा पहले हाफ की समाप्ति के बाद। बॉल पोजीशन में फिलहाल शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की लड़कियों के पास, बढ़िया यहां पास किया है बैक पास, और यही तरीका, और यहां चूकी है, चूक पड़ेगी भारी, क्योंकि अब बॉल पर कब्जा रख के जरिए
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के पास 10-12-2 10 में है पूनम सिंह, 12 भूमिका शुक्ला और 2 हैप्पी अंजुम। इस ब्रिज और यहां नैया किसकी पार? जी हां, नैया पार है यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की। बॉल पोजीशन में ली है, बहुत तेजी से संभालते हुए खुद को पास किया, लेकिन वहां टैकल भी देखने को मिला है खूबसूरत। अभी भी यहां मौका शुभांगी के पास, शुभांगी कप्तान शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। निर्धारित पहले हाफ के 7 मिनट के समय समाप्ति का हुटर बच चुका है, लेकिन ये पॉइंट पूरा करने का पूरा पूरा मौका शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की लड़कियों के पास। क्या पहले हाफ की समाप्ति तक 5 या 7 अंक और जोड़ पाएंगी? यहां टैकल बढ़िया किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ओर से, थोड़ा सा यहां चूक कही जा सकती है। अगर इस टैकल को टाल पाई तो निकल पाएंगी आगे, लेकिन यहां फिर मौका शुभांगी कप्तान ने लॉन्ग पास किया बैक साइड और यहां से फिर एक बार घेर लिया गया है। अब है नेहा शौक, निकली जरूर है, एक बार फिर मौका है यहां, साक्षी निकल गई है, बहुत शानदार ये प्रदर्शन, 5 अंक जोड़ दिए हैं यहां पहले हाफ की समाप्ति से पहले। और अब कन्वर्जन, शुभांगी बालू गौवड़े कन्वर्जन के लिए आती हुई, महत्वपूर्ण 5 अंकों की और बढ़त साक्षी ने दिलवाई है। और अब ये शुभांगी का कन्वर्जन, फ्लैग अप नहीं हुआ है, शायद बाहर मार बैठी हैं। और पहले हाफ की समाप्ति पर तो ब्रेक के 2 मिनट और पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की टीम 0 के मुकाबले 10 अंकों से आगे, 2 मिनट का ब्रेक। और अब दूसरे हाफ का खेल शुरू होते हुए गोल्ड मेडल का यह मुकाबला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के बीच में लड़कियों के वर्ग का यह मुकाबला, रग्बी 7 का यह मुकाबला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मुकाबला। 0 के मुकाबले 10 अंकों की यहां बढ़त है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के पास। क्या दूसरे हाफ में वापसी होगी या ये लीड और बढ़ती चले जाएगी, ये देखना दिलचस्प। इस बार निकली जरूर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की लड़कियां अंकों की तलाश में, लेकिन तलाश को पूरा होने नहीं दे रही हैं यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की ये लड़कियां। बढ़िया टैकल वहां देखने को मिला और अब यह एक मौका बन सकता है आकांक्षा जर्सी नंबर 12 है शिवाजी यूनिवर्सिटी, 11 नंबर में साक्षी नजर आ रही हैं। एक सब्स्टिट्यूशन यहां और लिया गया है 11 नंबर की खिलाड़ी चंडीगढ़ की गिन्नी मकवाना अंदर गई हैं स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए या देखने के लिए, शायद थोड़ी सी मसल्स में वहां खिंचाव आया है। और ये स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए लक्ष्मी औरान ने एंट्री ली है चंडीगढ़ के लिए 9 नंबर। लक्ष्मी औरान क्या कुछ नया कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना दिलचस्प।
और यहाँ पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की इस टीम ने रग्बी सेवन के इस गोल्ड मेडल मैच को। 0-10 अंकों की बढ़त। दूसरे हाफ का 30वां मिनट यहां चालू है, लेकिन कोई भी मौका दे नहीं रही है यहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को वापसी का। अब लाइन आउट, बॉल कब्जे में लेने में कामयाबी क्या मिली है या स्क्रम के जरिए दोबारा खेल शुरू होगा, देखना दिलचस्प। जी हाँ, रेफरी का इशारा, आप स्क्रम के जरिए बॉल को अपने कब्जे में लीजिए। ये एक बार और बढ़िया तरीके से आगे निकलने की कोशिश, बैक पास किया है, क्या ढूंढ पाएंगे दीवार में कोई खिड़की, क्या 5 अंक और जुड़ेंगे यहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खाते में। स्वाति जर्सी नंबर 7 में बैक पास किया था और ये कॉन्फिडेंस देखिए निकली है आगे, वहां रक की पोजीशन डेवलप और बॉल एक बार फिर शिवाजी यूनिवर्सिटी की खिलाड़ियों के पास। शुभांगी बालू गावड़े कैप्टन एक बार फिर पास करने की कोशिश की, लेकिन अब कब्जे में है बॉल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन रेफरी ने कहा कि आप स्क्रम से शुरू कीजिए। यहां पर 5 अंक और तलाशने की कोशिश करती हुई शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की यह टीम क्या कामयाब हो पाएगी। बढ़िया टैकल जरूर देखने को मिला है, भूमिका शुक्ला गिन्नी बकवाना, लेकिन लगातार हमले तेज कर रही है यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की ये टीम। यहां एक खतरा हो सकता था शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए, लेकिन वहां बढ़िया बैकअप प्लान कर रखा है साक्षी आकांक्षा 11-12 नंबर। छह नंबर कल्याणी पाटिल, कहा कि आप बैक पास कीजिए मैं निकालती हूं, और वहां काउंटर के लिए तैयार श्रेया टैकल कर लिया है। गोल्ड मेडल का यह मुकाबला, 10 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त बॉल पोजीशन में, क्या यूं कहा जाए कि एक तरह से यह मुकाबला जीत लिया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने, या अभी इंतजार कुछ कर सकती है परिवर्तन, सेटबैक, फेर बदल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ये टीम। दूसरे हाफ का लास्ट मिनट और अब लगभग 35 सेकंड का खेल बाकी, स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए यहां चूकी बॉल को मार के आगे भेजना चाहती थी भूमिका शुक्ला, किक से ये
आकांक्षा आनंद काटकाटे। ये कोशिश रहेगी या तो हम 5 अंक हासिल करेंगे या फिर बाहर बॉल को मारकर गोल्ड मेडल अपने नाम करेंगे, यही दोनों स्थितियां संभव थी यहां पर। क्या 5 अंक हो गए हैं, देखना दिलचस्प होगा। शोर सुनाई दे रहा है ट्राई लाइन पर, बॉल को लेकर वापस आ रही हैं। क्या कन्वर्जन के लिए जाएंगी, 5 अंक तो निश्चित तौर पर जुड़ ही गए हैं। और अब शुभांगी बालू गावड़े कन्वर्जन के लिए जाते हुए, 45 का एंगल ट्राई करना होगा, बॉल नहीं पहुंच पाई। लेकिन क्या खेल एक बार फिर दोबारा शुरू किया जाएगा सेंटर लाइन से। निर्धारित 7 मिनट का समय समाप्त हो चुका है और इसी के साथ तालियां बजाते हुए, हाथ हिलाते हुए, लहराते हुए, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की ये टीम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 रग्बी 7 का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। यहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की टीम ने 0 के मुकाबले 15 अंकों से हरा दिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। I will now request Mr. Portia J. Ali to kindly present the medal to the winner. Kill it!
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का सफल आयोजन किया जा रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट में। हम हैं इस समय असम में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में और यहां खेले जा रहे हैं रग्बी सेवन के मुकाबले। इन खेलों में 20 खेल शामिल किए गए हैं और रग्बी सेवन उनमें से एक है। हमारे साथ हैं इस समय कॉम्पिटिशन मैनेजर संदीप मौसमकर। संदीप जी, आपका स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे अब तक का सफ़र रग्बी सेवन का, इसे कैसे देखते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम। ये थर्ड एडिशन है, सॉरी, ये खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स का फोर्थ एडिशन है, लेकिन रग्बी का ये थर्ड एडिशन है। इस सफलता के लिए वाकई में हमारी जितनी AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ये जो नेशनल टूर्नामेंट करती है जहाँ पे कम से कम 20,000 से ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, उनमें से जो 4,000 है यहाँ पे उनको खेलने का मौका मिलता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इट्स अ रियल लाइक यू नो वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म एंड डेफिनेटली लाइक यू नो देयर आर लॉट ऑफ ओलंपिक्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्लेटफॉर्म। बट ऑल्सो द सेम टाइम यूनिवर्सिटी के बच्चों में खेल भावना जागरूक करने के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वी आर लाइक यू नो वी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन लगातार भारत में रग्बी के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए प्रयास करती रहती है और आप जुड़े हुए हैं संस्था के साथ, तो आपका क्या रोल रहता है और आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान देते हैं? अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन मैनेजर, मैं सीनियर जनरल मैनेजर डेवलपमेंट भी हूँ रग्बी इंडिया का। रग्बी इंडिया आज तक हमारे जो 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिलके है उसमें से हम 28 राज्य तक पहुंच गए और 375 डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुंच गए। हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है बच्चों से, प्लेयर्स से, पेरेंट्स से, कॉलेजेस से, स्कूल से, यूनिवर्सिटीज से, और ऑफ कोर्स यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया कि हमारे खेल को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आज इसका ही फायदा है कि हम तीन साल से एडिशन में हैं खेलो इंडिया के, और ज़्यादा अभी हम ये नॉर्थ ईस्ट पहुँच चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट में हम चाहते हैं कि पूरे 7 सिस्टर भी हम जल्दी से जल्दी कवर करें। ये हमारा पहला स्टेप है, आगे जाके बहुत जल्द हम ये क्षेत्र में भी इससे ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। संदीप जी, ऐसा कहा जाता है कि कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्थी फॉर मार्केट। अभी हमने देखा गर्ल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ केरला पहली बार यहाँ क्वालिफाई करके आई है और जींद की यूनिवर्सिटी चौधरी रणबीर सिंह वो भी पहली बार करके आई है। तो क्या ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है रग्बी सेवन में, क्या ये रग्बी का जो सुनहरा भविष्य है वो लिखने की तैयारी की जा रही है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आ रही है, काशी विद्यापीठ UP से आई है, रणबीर सिंह चौधरी यूनिवर्सिटी हरियाणा से जिंद से आई है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आई है, तो हमें भी देखने को मिल रहा है कि ये अभी पैचेस में तो रहा नहीं, ये तो हर जगह फैल गया और ये सारी टीमें अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुँची है। यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, नेशनल गेम्स में जो टॉप 8 है वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है ये अभी मैं एक नेशनल प्रदर्शन ही आपको कह सकता हूँ, लेकिन अच्छा है कि हमारे फेडरेशन के लिए और इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपियंस तैयार हो रहे हैं इसके वजह से। तो जो मिशन पोडियम फिनिश है ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, उसके लिए इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन क्या तैयारी कर रही है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हमने 2028 के लिए तो प्लान किया है LA ओलंपिक्स के लिए। ये ऐसी बात नहीं है कि बस ये 2 और 3 साल में हम पूरा टर्नओवर करेंगे द करंट सिचुएशन। हमारे गोल्स है, माइलस्टोन्स है, हर महीने हर साल वो माइलस्टोन के मद्देनज़र रखते हुए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। कोशिश करेंगे 2028 की और शायद सफल होंगे 2032 में, लेकिन हमारी ऑलरेडी उसके ऊपर पिछले 3 सालों से हमने उसके ऊपर मूवमेंट शुरू कर दिए। अभी हमारा सबसे पहला कदम है एशिया में टॉप 5 में आना, जो अगले साल तक हम वो अचीव करेंगे। हमारी अंडर 18 टीम्स, गर्ल्स और बॉयज़ नेशनल अंडर 18 टीम्स एशिया में ऑलरेडी सिल्वर पदक मेडल ले चुकी है। गर्ल्स अभी 9th स्टैंडर्ड पे है, तो हम कोशिश करेंगे वो अगले साल 6वें और उसके अगले साल 5वें में या 3रे में आए। बस जब हम टॉप 3 में आएंगे तो ऑटोमेटिकली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बट येस, इट्स ये बड़ी चुनौती है हमारे सामने भी। लक्ष्य तो 28 का रखा है, लेकिन शायद सफल हो 32वें और 36वें। संदीप जी,
महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने हमसे बात की, अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ये थे कंपटीशन मैनेजर संदीप मौसमकर जी, और इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रग्बी के खेल में चुनौती देने के लिए भारत ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, कमर कसी जा चुकी है और इंतज़ार है बस ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में मेडल का। उम्मीद है ये सपना भी जल्द पूरा होगा। हम लोग जुलाई महीने से, लास्ट ईयर जुलाई महीने से हम लोग ने शुरुआती प्लानिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद जो है फाइनलाइजेशन हुआ लगभग दिसंबर में, और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। और चैलेंज ये था कि इस टाइम में ढाई महीने में हम लोग 4,500 लोगों का एक साथ रहने का जो इंतज़ाम करना था, उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो अरेंजमेंट करना था, यही सबसे बड़ा हम लोग ने अपना चैलेंज रखा। बाकी जितने हमारे फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है यहाँ पे, वो थोड़ी सी कमियाँ थीं उसमें, तो उनको भी इम्प्रूवमेंट का एक ज़रूरत भी थी, और हम लोग ने कोशिश करी कि इनका इम्प्रूवमेंट किया जाए। और हमें लगता है कि इस कम समय में हम काफ़ी अच्छा मेहनत करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने हमको सलाह दिया, और हमारी जो PMU थी है वो ग्रैंड थॉर्नटन, उन्होंने हमको मशवरा दिया कि ऐसा करना है। और हमें लगता है कि जैसे माननीय टूरिज्म सॉरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे यूनियन, वो कह भी गए कि काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे रहा है, और मैं समझता हूँ कि वाकई यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम रहा है। खाने पीने पे ख़ास तौर से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किए हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि सारे स्टेट्स की क्विज़ीन यहाँ पे लाया गया ताकि लोगों को कोई कंप्लेंट ना हो। और बाकी इंतज़ाम के बारे में जो फीडबैक हमको एथलीट से अब तक मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है, ख़ास तौर से खाने का और हॉस्पिटैलिटी का जो बाकी अरेंजमेंट्स है, काफ़ी खुश नज़र आए ये लोग। ये एक ट्रेडिशन रहा है असल में, 2007 में हम लोग ने नेशनल गेम्स यहाँ पे किया था, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स हमने यहाँ होस्ट किया, और 2020 में हम लोग ने नेशनल यूथ गेम्स भी यहाँ पे किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसे कहते हैं, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हमको जितना मालूम है लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। सबसे बड़ी बात है ये जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लाया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आए, एक दूसरे को पहचाने जाने, दोस्ती भी करें, साथ साथ वो कंपेटिटिव जो एलिमेंट है वो भी बरकरार रहे। और ये एक यू नो चूँकि यहाँ पे लगभग 190 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट किए हैं, हमको लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है इंडिया का, फिट इंडिया वाला कॉन्सेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते आए हैं, ये फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट, ये टैलेंट स्काउटिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये एक प्लेटफॉर्म देने का कॉन्सेप्ट बच्चों को कि ताकि इनको भी एक्सपोजर मिले। और आप देखेंगे कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ जाए, जैसे मैं रग्बी के लिए ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि रग्बी में इनका इंटरेस्ट हो, वो सारे लोग भी आए, अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया और दिखाया कि रग्बी जैसे गेम को भी ये अपने मतलब काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने अपना लिया है, और इसको आगे ले जाने का इनके अंदर एक हौसला दिया। खेल का खिलाड़ियों का और चोटों का चोली दामन का साथ है, और ख़ासकर जब बात हो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम की, खासकर रग्बी की, तो चोटें आपको लगती रहती हैं, इंजरीज आपको होती रहती हैं, और उसको समय पर संभालने के लिए फिजियो की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स रहते हैं मैदान पर, और हमारे साथ हैं इस समय वाहिद। डॉक्टर वाहिद, आपका स्वागत है DD स्पोर्ट्स पर। माय नेम इज अब्दुल वाहिद, आई एम द फिजियो ऑफ इंडियन रग्बी टीम सिंस 2015। वी आर हियर इन गुवाहाटी फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। Rugby is a collision sport, so we see injuries something as minor as an abrasion and something as traumatic as concussion as well. So during this whole tournament, we have an entire medical team which consists of two rugby certified medics and team of doctors and standby ambulance as well. As a physio, our role is vital in early detection of injuries and its prevention, so that our players can get back into rehab program for speedy recovery. Thank you. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 रग्बी 7 में लड़कों के वर्ग में गोल्ड मेडल का मैच,
के IIT यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के बीच में यहाँ खेला जा रहा है। असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में दूधिया रोशनी में। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। के IIT यूनिवर्सिटी रेड आउटफिट में है सुनील कुमार नायक, जर्सी नंबर 1 में। 2 में है मकरंदा प्रधान, 3 मलाया कन्हार, रामेश्वर हेम्ब्राम, जर्सी नंबर 4 में जुगल किशोर माझी, 5 में गणेश माझी, 6 में आशीष सबर, 7 में सेल माझी, 8 में लक्ष्म सिसा, 9 में विनोद मरांडी, 10 में मनोज कुमार सिंह, 11 में और फनिंद्रा भोई जर्सी नंबर 12 में। कोच हैं अजय औरानी और मैनेजर सहदेव माझी। मैन इन ब्लू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। चंडीगढ़ के स्क्वाड में सुगदा माझी जर्सी नंबर 1 में, सुब्रता भौमिक जर्सी नंबर 2 में, राजीव कुमार जर्सी नंबर 3 में, मोनू जर्सी नंबर 4 में, अजीत कुमार हंसदा 5 में, जावेद हुसैन जर्सी नंबर 6 में, 7 में दिशांत दत्त, 8 में अनुज पाल, हिमांशु कुमार सिंह जर्सी नंबर 9 में और दीपक कुमार पूनिया जर्सी नंबर 10 में, अनुज कुमार गौर जर्सी नंबर 11 में, शिवम शुक्ला जर्सी नंबर 12 में। करण सिंह खाती कोच हैं और मैनेजर हैं जाकिर हुसैन। कैप्टन है दीपक कुमार पुनिया। क्या यहां भी गोल्ड मेडल जितवा पाएंगे अपनी टीम को? फाइनल मुकाबलों में लड़कियों के वर्ग में, लड़कों के वर्ग में, दोनों ही वर्गों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने फाइनल में जगह बनाई है। गोल्ड मेडल मैच के लिए खेले लेकिन लड़कियों में हार का सामना करना पड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की लड़कियों ने। शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन यहां पर मैन इन ब्लू वर्सेस मैन इन रेड अटैक देखिए तेजी से निकले हैं यहां सुब्रता भौमिक और ये मोनू। क्या 4 अंक मिलेंगे? तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यहां स्वागत किया गया है। स्कोरबोर्ड पर फिलहाल हलचल देखने को मिली नहीं है लेकिन एक बार ऐसा लगता था कि पहुंच गए हैं। डिफेंस लाइन के पास बॉल को प्लेस कर दिया गया है। निश्चित तौर पर 5 अंक जुड़ चुके हैं यहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के खाते में। 4 अंक जोड़ने में सफल और अब ये दीपक कुमार पुनिया कप्तान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के कन्वर्जन के लिए आए हैं। काफी डिफिकल्ट रहता है यहां से कन्वर्ट करना लेकिन क्या कर पाएंगे? ड्रॉप किक से बहुत बढ़िया यह प्रदर्शन। क्या शानदार खेल दिखाया है दीपक कुमार पुनिया हरियाणा के कनोह से, हिसार डिस्ट्रिक्ट के दीपक कुमार पुनिया। जर्सी नंबर 10 और इसी के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की लीड 0 के मुकाबले 7। मुकाबले के अभी 2 मिनट भी नहीं बीते हैं और उससे पहले ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने अपनी श्रेष्ठता साबित करनी शुरू कर दी है। 7 अंकों की बढ़त बना ली है और अब स्क्रम के जरिए बॉल को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश। लेकिन यहाँ
क्या KIIT का जवाबी हमला देखने को मिलेगा। ये टीम KIIT, इसे कमज़ोर आप नहीं कह सकते हैं, ये पूरी टक्कर यहाँ देगी। पिछले 3-4 साल में और इसी बीच यहाँ ये येलो कार्ड का सामना करना पड़ा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। बेंच पर बैठना होगा 2 मिनट के लिए। शिवम शुक्ला अब 6 की स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। पैनी निगाह रखते हैं रेफरी और जैसे ही लगा कि नियमों की अनदेखी हुई है तुरंत येलो कार्ड दिखा दिया गया है। यहां शिवम शुक्ला बैठेंगे अब चेयर पर, 2 मिनट का करना पड़ेगा इंतजार। स्क्रम के साथ खेल एक बार फिर शुरू होगा। स्क्रम सुब्रता भौमिक चंडीगढ़ के लिए और मलाया कन्हार KIIT यूनिवर्सिटी के लिए। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT। मलाया कन्हार ने बढ़िया ये किक के जरिए बहुत आगे भेज दिया है, क्या पिक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ही चंडीगढ़ के खिलाड़ी वहां मौजूद, बॉल को अपने पोजीशन में लिया है। बहुत बढ़िया टैकल यहां देखने को मिला है और अब बाउंस बैक तो नहीं कर जाएगा, यही देखना दिलचस्प निकले जरूर है तेजी से, लेकिन टैकल कर लिया गया है। खतरा यहां पर बढ़ा था एक बार, लेकिन मौका ये राइट विंग अभी खाली है चंडीगढ़ के लिए, क्या यहां से अटैक देखने को मिलेगा। कोशिश पूरी है KIIT की के तूफान को रोकें चंडीगढ़ के, जानते हैं हल्की सी ढील और 7 अंकों की और छूट मिल जाएगी वहां चंडीगढ़ को। फिलहाल रोका हुआ है 7 अंकों पर KIIT ने, लेकिन ये तालमेल आप देखिए थोड़ा सा यहां पर चूक जरूर हुई है। और ये जवाबी हमला आते हुए यहाँ असीस सबार जस्सी नंबर 7 में बढ़िया बैक पास किया था और यहाँ ये रक की पोजीशन के साथ क्या बॉल अपने कब्जे में लेंगे, बिल्कुल ले लिया है। यहाँ लेफ्ट विंग से अटैक की तैयारी गणेश अमाझी की, बॉल पोजीशन में बढ़िया टैकल किया है असीस सबार और ये 5 अंक की जो कोशिश थी ये कामयाब KIIT के लिए होते हुए और बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने से अंदर एंट्री ली थी, तो बॉल वहीं से आपको कन्वर्जन का भी मौका मिलेगा। क्या बराबरी होगी। मलय कन्हार KIIT के लिए कन्वर्जन, बिल्कुल ये गोल्ड मेडल का मैच है, इतना आसान यहां रहेगा नहीं। दोनों ही टीमें अब बराबरी पर 7, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और 7 अंक हैं KIIT यूनिवर्सिटी के। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ओडिशा की ये टीम और सामने चंडीगढ़ मोहाली की। गोल्ड मेडल का ये मुकाबला, जो भी टीम यहां जीतेगी। ये थोड़ा सा टकराए उछले भी, लेकिन बॉल सुरक्षित हाथों में चंडीगढ़ के पास। वहां तेजी से निकले हैं लेफ्ट विंग से, ये मौका बहुत खतरनाक हो सकता था KIIT के लिए, लेकिन वहां बढ़िया डिफेंस देखने को मिला और स्क्रम के जरिए अब स्क्रम की पोजीशन निर्धारित 7 मिनट पहले हाफ के यहां पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट पूरा खेला जाएगा। बॉल अपने कब्जे में ली है यहां पर KIIT के खिलाड़ियों ने, विसल की आवाज आई है। क्या यहां लेफ्ट विंग से ट्राई करेंगे, किक से आगे भेजा जाए और यही खास बात, क्या ये इसको पिक कर पाएंगे। वहां पर ये देखिए हाथों से रोकने की कोशिश की है, ये किक मार दी है KIIT ने, 11 बॉल डेडलाइन से परे चली गई है। कोशिश थी मनोज कुमार सिंह की KIIT के बॉल अपने कब्जे में ले, लेकिन खेल की शुरुआत कहां से होगी ये देखना दिलचस्प।
फिलहाल दोनों ही टीमों का स्कोर यहां 7-7। और इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति पर दोनों ही टीमों का स्कोर 7-7। और अब 2 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब दूसरे हाफ में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने। अगले 7 मिनट में कौन सी टीम का रहेगा पलड़ा भारी, कौन होगा गोल्ड मेडल का हकदार, ये डिसाइड करेगा खेल। पहले हाफ में दोनों ही टीमों का स्कोर रहा था 7-7, दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं, दोनों ही टीमें बढ़िया खेल दिखा रही हैं। और अभी फिलहाल इस मुकाबले में ये कहना बहुत मुश्किल कि कौन होगा विजेता। पहले 7 अंक हासिल किए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने, और उसके बाद बढ़िया जवाब दिया था 7 अंकों के साथ कलिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने यहाँ थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। बढ़िया शिकंजा कस लिया है KIT ने, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, क्या टैकल हो पाएगा? खिलाड़ी मौजूद, यहाँ निकल गए हैं बहुत शानदार तरीके से, जर्सी नंबर 4 में मोनू, और 5 अंक यहां दिला दिए हैं चंडीगढ़ को। पहले हाफ में भी मोनू ने शानदार खेल दिखाया था, और यहां भी मोनू ने 5 अंक और जोड़ दिए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के स्कोर में। और अब क्या कप्तान दीपक कुमार पुनिया दोबारा 2 अंक और हासिल करके अपनी श्रेष्ठता, अपने स्किल का लोहा मनवाएंगे। इस बार चूक गए हैं लगता है, कोशिश पूरी थी, इतना आसान नहीं होता है इतनी दूर से एंगल लेते हुए कन्वर्जन सक्सेसफुल बनाना, लेकिन कोशिश पूरी थी। हरियाणा हिसार के कनोह गांव के दीपक कुमार पुनिया 10 नंबर की जर्सी में खेलते हैं, और जो नेशनल रग्बी 7 की टीम है उसके भी कप्तान हैं। एक बार फिर कोशिश, इस बार शिवम शुक्ला जर्सी नंबर 12 में, वहां अनुज कुमार गौर मौजूद, और 10 नंबर की जर्सी में दीपक कुमार पुनिया, 10, 11, 12 तीनों नंबर सीरीज में अंक ढूंढ रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए, क्योंकि अगर आपको गोल्ड मेडल हासिल करना है, सुगदा माझी जैसे नंबर 1 के साथ स्क्रम के लिए तैयार, स्क्रम हाफ, और वहीं जैसे नंबर 3 में KIIT के मलया, बॉल पोजीशन में है KIIT के, आगे निकले हैं वहां पर जर्सी नंबर 7 में असी सवार, लेकिन बढ़िया टैकल वहां कर लिया गया है उन्हें। 3 मिनट के खेल की दूसरे हाफ की समाप्ति के बाद 5 अंकों की बढ़त यहां बना ली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, लेकिन ये काफ़ी नहीं कही जा सकती। अब तेज़ी से आगे निकले हैं अनुज कुमार गौर, क्या पहुंचेंगे? ऐसा लग रहा है पहुंच गए हैं, यहां समर्थक साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजा के उनका समर्थन किया है। स्कोर बोर्ड पर फिलहाल अभी हलचल हुई नहीं है, तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या रेफरी संतुष्ट हैं इस ट्राई से। फिलहाल बॉल वहां रखी हुई है, वहीं से खेल को दोबारा शुरू करेंगे या किक लेंगे। फिलहाल बॉल पोजीशन में है KIIT के,
यहां से अगर 10 नंबर के विनोद मरांडी सब्स्टिट्यूशन के तौर पर अंदर गए हैं केआईआईटी के स्क्वाड में, और मनोज कुमार सिंह बाहर आए हैं उनकी जगह। यहां एक बार फिर बॉल को रख दिया गया है, शायद थोड़ी सी पिक करने में परेशानी। सुगदा माझी जर्सी नंबर 1 में मौजूद है चंडीगढ़ के लिए, जर्सी नंबर 4 में मौजूद हैं मैदान में मोनू, जर्सी नंबर 6 में जावेद हुसैन। और ये स्क्रम डेवलप होते हुए बढ़िया लाइन आउट का ये प्रयास था, स्क्रम नहीं था, लाइन पे बॉल रखी गई थी, जैसे ही साइड लाइन से बाहर जाती है लाइन आउट से शुरू किया जाता है। यहां थोड़ी सी परेशानी चंडीगढ़ के खिलाड़ी के लिए। और अब अजीत कुमार हंसदा चंडीगढ़ के स्क्वाड में शामिल होते हुए, जैसे ही लगा अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, बाहर आ गए हैं यहाँ अनुज कुमार गौर चंडीगढ़ के स्क्वाड से। और ये स्क्रम सुगदा माझी, क्या ये वापसी हो सकती है, क्या यहाँ पर रिस्क लेगी, क्या अपनी पूरी एनर्जी को समेट कर आगे बढ़ेगी केआईआईटी यूनिवर्सिटी की ये टीम। जानते हैं समय समाप्ति की घोषणा में मात्र 1.5 मिनट बाकी है। यहां टैकल करने की कोशिश और टैकल कर लिया गया है खूबसूरत तरीके से, बॉल पिक करने में कामयाबी। दिशांत दत्त शिवम शुक्ला लेकिन बॉल पोजीशन में है यहां केआईआईटी के। क्या ये एक मौका बन रहा है, गणेश माझी उठाया है और रेफरी ने निर्देश दिया, कुछ सलाह मशवरा राउंड रेफरी के साथ। गणेश माझी और यहां दूसरी बार येलो कार्ड लेकर चेयर पर आ चुके हैं शिवम शुक्ला। छह के स्ट्रेंथ के साथ यहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली खेल रही है ये स्क्रम की पोजीशन। क्या यहां पर केआईआईटी फायदा उठा सकती है, इस बार छिटक गई है बॉल हाथ से, ये भारी पड़ सकता है, ये आसान नहीं रहेगा केआईआईटी के लिए। ये शिकायत दर्ज कराई है थोड़ा सा, शायद रेफरी संतुष्ट नहीं शिकायत से। फिलहाल दीपक कुमार पुनिया कप्तान के हाथों में बॉल और अब निर्धारित जो समय है दूसरे हाफ का उसकी समाप्ति में मात्र 3 सेकंड बचे हैं। ये कोशिश रहेगी चंडीगढ़ की कि अब बॉल को वो बाहर मारें क्योंकि उन्हें पता है रिस्क लेना भारी हो सकता है और ये बॉल बाहर मार दी है और इसी के साथ खुशी से उछल पड़े हैं यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी मोहाली, हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ की राजधानी और वहां की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये टीम। बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, खुश होंगे करण सिंह खाती
लड़कियों की जो टीम थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की, वो भी फाइनल में पहुंची थी लेकिन गोल्ड मेडल अपने नाम नहीं कर पाई थी। लेकिन उसकी भरपाई करते हुए यहां पर कप्तान दीपक कुमार पूनिया के नेतृत्व में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने यहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपक कुमार पूनिया जो नेशनल टीम है रग्बी सेवन की, उसके भी कप्तान हैं और वहां पर भी गोल्ड मेडल दिलाया था, यहां पर भी गोल्ड मेडल। शानदार कप्तानी, शानदार खेल और शानदार परिणाम। 7 के मुकाबले 12 अंकों से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने इस मुकाबले को जीत लिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। Mr. J.D. Sharma, sir, to kindly present the medal to the winner. Please.